हिमाचल बीजेपी ने 5 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं 5 नेता। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इनको निष्कासित किया है। कृपाल परमार, तेजवंत नेगी पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। किशोरी लाल, केएल ठाकुर और मनोहर धीमान को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो हिमाचल चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर, हिमाचल बीजेपी ने 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए बाहर किए गए हैं 5 नेता। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इनको निष्कासित किया है। जिन नेताओं को बाहर किया गया है, कृपाल परमार, तेजवंत नेगी, किशोरी लाल, केएल ठाकुर और मनोहर धीमान, ये वो 5 नेता हैं जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। ऐसे में जो बागी हैं वो बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं पार्टी के लिए, और इन्हीं बागी नेताओं पर हिमाचल बीजेपी की ये बड़ी कार्रवाई, 5 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ये 5 नेता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनमें कृपाल परमार, तेजवंत नेगी, किशोरी लाल, केएल ठाकुर और मनोहर धीमान के नाम शामिल हैं। तो बागियों पर बीजेपी का ये सख्त रवैया, ये बड़ी कार्रवाई, जहां इन बागी नेताओं को पार्टी ने चुनाव से ठीक एंड पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बागियों से निपटने में पूरी सख्ती बरती जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करते हैं अपने हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, जहां एक तरफ बीजेपी यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर रिवाज को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, ऐसे में बागियों से निपटना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ये बताइए कि ये जो कार्रवाई की गई है, पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन क्या ये बागी नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को, और पहुंचा सकते हैं तो किस हद तक? देखिए अजीता, हिमाचल में भाजपा के ये जो सत्ता वापसी की लगातार कोशिश पार्टी कर रही है, और हिमाचल में रिवाज बदलने की जो बड़ी बात की जा रही है उसको लेकर आप बिल्कुल मान सकते हैं, टेढ़ी खीर साबित होने वाला है अजीता। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि इस बार अगर बड़ी दिक्कत बनेगी तो ये कांग्रेस की नहीं, भाजपा के लिए ज्यादा बड़ी बनने वाली है, क्योंकि भाजपा की संख्या जो हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में बागियों की बन गई है वो दोगुनी नजर आती है कांग्रेस के बागियों की उसकी तरह से। लेकिन जिस तरीके से 5 नेताओं को निष्कासित किया गया, 16 अभी भी बाकी हैं, इनके अभी भी इतने बागी उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके ऊपर भाजपा ने अभी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये 5 वो बड़े चेहरे माने जा सकते हैं जो बड़ा विरोध कर रहे थे और आला कमान तक की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। यानी जो दौर मान मनोबल का चला वहां पर जिन नेताओं ने बिल्कुल ही अनदेखी के सवाल भाजपा पार्टी के नेताओं के साथ कर दिए, उनको सीधा निष्कासन कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी अपने 5 नेताओं का कर दिया है। लेकिन फर्क इसका चुनावों में भाजपा को झेलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी बगावत कंट्रोल करने की कोशिश अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से भाजपा लगातार ये करती है कि एंटी इनकम्बेंसी को निपटने के लिए वो नए चेहरों को दे देती है। 11 पूर्व विधायकों के टिकट तक काट दिए गए, 2 मंत्रियों की विधानसभा हलके बदल दिए गए, लेकिन ये बागियों की बगावत अब उसके लिए सरदर्द भी बन गई है और उसके लिए ये जो सत्ता वापसी की राह है उसके लिए टेढ़ी खीर भी बन। बिल्कुल अरुण, ये भी बताइए क्या बाकी बागियों से भी भारतीय जनता पार्टी इसी अंदाज में निपटेगी, उनको भी एक तरह का संदेश दिया गया है ये सख्ती दिखाकर? देखिए होना तो यही चाहिए था, एक तरफ दोनों राजनीतिक दलों के भीतर भाजपा को और भाजपा के सशक्त आला कमान को देखकर ये कहा जाता है कि वो बड़े तेजी के साथ अपने निर्णय लेती है और ठोस तरीके से अपने निर्णयों के ऊपर काम करती आई है। लेकिन हम पूर्व ये जो आम चुनाव से पहले उपचुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि चेतन ब्राक्टा को निकाल दिया गया था जब वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको बाद में वापस ले लिया गया। अब ये सभी राजनीतिक दलों की या तो अजीता कह लें कि मजबूरी बन गई है कि 6 साल के लिए पहले निकाला जाता है, फिर एक लंबे दौर के लिए उनको ऐसे रहने दिया जाता है, और जब फिर कोई चुनाव आता है तो उनको दोबारा पार्टी में ले लिया जाता है, नए बगावत के चेहरे आ जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि भाजपा भी अब उस राह पर बढ़ती जरूर नजर आ रही है जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए
आम चुनावों के भीतर परिपाटी बन जाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले चेहरों के ऊपर भी जल्द ही कांग्रेस और भाजपा जो उनके बगावती चेहरे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण उनियाल इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बागी बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं हिमाचल में दोनों ही पार्टियों के लिए।